हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग से अवनी एवरीवन, कैसे आलू गाय हो, मस्त होंगे। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते देवभूमि की खूबसूरत पहाड़ की वादियों से। तो दोस्तों अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और आज भी आसमान में पूरा पैक हो रखा। दोस्तों अभी टाइम सुबह के 9 बजे और आज आसमान पूरा पैक है। तो आज सुबह से ही मौसम पूरा ऐसे ही है, तो कल भी आसमान पूरा पैक था। तो कल शाम के टाइम पर तो यहाँ से बारिश भी काफ़ी तेज़ आए, थोड़ी देर के लिए आए, बहुत तेज़ बारिश आया था यहाँ। तो दगड़े अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और अब जा रहा हूँ नीचे रेबीग्राम। आज विपिन भाई के दुकान का उद्घाटन है तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। दगड़े अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से रेबीग्राम के लिए। भाई आजकल इधर रास्ते का काम चल रहा है, ये यहाँ आजकल रास्ते की इधर उधर दोनों साइड से दीवार डाल रहे हैं। तो अभी दीवार डाल ही रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर तक दिखाई दे रहा, पूरा दीवार डालना है और उसके बाद नीचे RCC जाएंगे और टाइल बिछेंगे। दगड़े आजकल इधर खेतों में पूरा छेमी बोर के और झंसा लगा के ये दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो कुछ दिनों में यहाँ छेमी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। दगड़े अभी मैं रविग्राम रोड पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ से ये पूरा रविग्राम का व्यू दिखाई दे रहा है। अभी हमें यहाँ से फिर नीचे जाना है, यहीं आगे से एक रास्ता है शॉर्टकट, तो वहीं से जाना है नीचे। आज भी उधर स्लीपिंग ब्यूटी पहाड़ पर गदेरा आ रहा, तो एक दो दिन बारिश नहीं आएगी तो ये गदेरा बंद हो जाएगा, वो केवल बरसात में आता है वहाँ पर। तो दगड़े अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से नीचे रविग्राम दुकान के लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक में। दगड़े अभी हम लोग पहुँच चुके हैं विपिन भाई की दुकान में और आप लोगों को जो सामने दिख रहा होगा यही है विपिन भाई का दुकान। तो विपिन भाई ने यहाँ पर फास्ट फूड का शॉप खोल रखा है, तो चलो हम लोग चलते हैं अंदर। और अभी हम लोग जा रहे हैं किचन में और यही अंदर किचन है, तो अभी यहाँ पर। तो दगड़े अभी मैं विपिन भाई की दुकान में आ चुका हूँ और ये विपिन भाई और इनका आज नए दुकान का ओपनिंग हो रहा है, तो बहुत बहुत बधाई हो भाई नई दुकान का। और जो मोमो बन रहे उनका रेट क्या है? मोमो हाफ मिलेगा आपको 30 उनका क्या? 20 सर, हट जा, 80 खुल रहे। और क्या क्या बन रहे? दगड़े अभी यहाँ पर मोमो बनने लगे। मोमो बनाने के लिए रोटी को पहले पतला बेलना पड़ता है और उसके बाद इस प्रकार से उनको सेब में काटना पड़ता है, तो छोटे छोटे और गोल सेब में काटने पड़ते हैं जैसे यहाँ पर काट के, तो उसके बाद इनके अंदर मसाला भरे जाते हैं। यहाँ पर अभी मोमो के अंदर मसाला भरने लग गए और मोमो के अंदर मसाला इस तरह से भरते हैं और उसके बाद इस तरह से उन्हें डिजाइन दिया जाता है। तो मोमो दो प्रकार से बनते हैं, तो एक दूसरा वाला डिजाइन भी बनता है, गोल वाला बनता है वो। दगड़े यहाँ पर अभी मोमो बनके तैयार हो चुके हैं। दगड़े अभी मैं किचन से बाहर आ चुका हूँ, आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो थोड़ी देर बाद यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा, अभी पहले पंडित जी जाएंगे और यहाँ पूजा करेंगे और उसके बाद ओपनिंग होगा। दगड़े आप लोगों को यहाँ विंडो से बाहर का व्यू दिखाता हूँ और यहाँ विंडो से बाहर ये पूरा रविग्राम दिखाई दे रहा है और उधर हाथी पहाड़ दिखाई दे रहा है और इधर साइड से सौती सुंदरी पर्वत दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर पंडित जी पहुँच चुके हैं और पंडित जी अभी यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुका है। दगड़े अभी यहाँ पर पूजा हो चुका है, पूजा के बाद मिठाई लगाया जाता है और मिठाई लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया जाता है सबको। आ
दगड़े यहाँ पर विभिन्न भाई की ओर से सबके लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। चाय चुई तो पी दिए, अब मोमो खा रहे हैं यहाँ पे। और दगड़े अभी मैं किचन में आ चुका हूँ और यहाँ पर स्प्रिंग रोल कट रहे हैं, तो अभी मोमो थे तो वो ख़त्म हो चुके और अभी दोबारा बन रहे मोमो और अभी यहाँ पर स्प्रिंग रोल दिया जा रहा है। दगड़े यहाँ पर स्प्रिंग रोल मोमो के साथ साथ अर्जा भी है। ये है अर्जा, तो ये एक पहाड़ी डिश है। ये डिश काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, यदि आप लोग एक बार खाओगे तो आप लोग को दोबारा खाने का मन करेगा। तो देखो देखने में बिल्कुल अलग सा लग रहा है। दगड़े अभी यहाँ पर गिफ्ट का अनबॉक्सिंग होने लग गया है। ये हो चुका है गिफ्ट का अनबॉक्सिंग। दगड़े अभी यहाँ पर मोमो दोबारा बनने लग गए। मोमो काफी ज्यादा टेस्टी हो रहे, तो सारे मोमो खत्म हो गए, अभी यहाँ पर दोबारा बनाने लग गए मोमो। दगड़े अभी यहाँ पर स्प्रिंग रोल बन रहे हैं। दगड़े ये मोमो बनाने का मशीन, इसमें ऊपर से आटा डालते हैं और नीचे से बेल कर ये बाहर निकालते हैं और उसके बाद मोमो के सेम में काटने पड़ते हैं। दगड़े अभी मैं यहाँ से वापस घर के लिए जाने लग गया हूँ। सुबह में यहाँ 9 बजे आ चुका था, अभी तो टाइम 12 हो गया, तो 3 घंटे हो गए मुझे यहाँ। तो अब चलते हैं घर के लिए। तो दगड़े परसों 14 तारीख को यहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था और पूरा मिट्टी वाला पानी आ रहा था, तो आज तो थोड़ा कम हो गया। दगड़े अभी टाइम 1 बज चुका है और आज यहाँ रास्ते में आते समय काफ़ी तेज़ धूप हो रहा, तो आगे जाते समय आसमान में पूरे बादल लगे हुए थे और ठीक हो रहे थे। अब यहाँ पूरा आते समय पूरा चढ़ाई भी है और पूरे आसमान अभी साफ़ हो चुका है। अभी तो मैं यहाँ छाई में बैठ चुका हूँ, तो रास्ते में बैठते बैठते आ रहा हूँ मैं, तो 12 बजे मैं नीचे दुकान से निकल चुका था और अभी 1 बज चुका है, तो आराम आराम से आ रहा हूँ। तो अभी आधा घंटा और लग जाएगा यहाँ से घर पहुँचने में, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, तो आराम आराम से जा रहा हूँ बैठते बैठते छाया में। दगड़े अभी मैं घर वापस पहुँच चुका हूँ और अभी टाइम 1:30 बज गया, तो वहाँ नीचे पंगरडा से थोड़ा नीचे था उस टाइम में, वहाँ से यहाँ आने में पूरा आधा घंटा लग गया क्योंकि धूप में चला भी नहीं जाता आराम। दोस्तों आप लोग का आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।